हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैंने 3 महीने पहले जो है वो परचेज किया था एंड इट्स कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड और कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसे मैंने खुद से खरीदा था। पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये है मच हाइप्ड प्रोडक्ट जो कि है कॉसआरएक्स का एडवांस्ड स्नेल 96 म्यूसिन, मतलब पावर एसेंस है ये। ये जो प्रोडक्ट है ये एक कोरियन प्रोडक्ट है और इसे मैंने परचेज़ किया था करीब 3 महीने, 3.5 महीने पहले इसको मैंने परचेज़ किया था। और मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको मैं 10-12 दिन यूज़ करूँगी और उसके बाद इसका जो रिव्यू है वो मैं पब्लिश करूँगी, पोस्ट करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब फेस्टिवल्स आ गए और बहुत सारा यू नो फैमिली फंक्शन वगैरह आ गए, तो उस बीच मैंने इसको जो है वो इसका जो रिव्यू है वो शूट नहीं कर पाई। बट मैंने इसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो यूज़ किया है, डे नाइट मैंने इसको यूज़ किया है, डेली लगातार मैंने इसको यूज़ किया है। एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है अभी कितनी है। एज़ यू कैन सी कि मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है, ये देखें मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। आपके पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है और ये आता है इस कार्डबोर्ड पैक के अंदर। हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। बट प्लीज़ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसका जो ये है आउटर कवर जो कि एक वाइट कलर के कार्डबोर्ड में आता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फुल कोरियन लिखी हुई है। मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कोरियन लिखी हुई है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो वो मैं आपको बता दूंगी आगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट का नाम है कॉसआरएक्स एडवांस्ड स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस। तो ये एक पावर एसेंस है। ठीक है जी, इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका कैप जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये एक पंप बॉटल के साथ आता है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इसका टेक्स्चर पसंद नहीं आएगा बिकॉज इट्स स्लाइमी टेक्स्चर। आप यहाँ पर ये देखें, बिकॉज इट्स अ स्नेल म्यूसिन। कुछ लोगों को मैंने ना मतलब कई वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कुछ मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये स्नेल की पॉटी है, मतलब स्नेल म्यूसिन है तो ये एक स्नेल की पॉटी है। और हम पॉटी अपने मुंह पे क्यों लगाएं किसी जानवर की, किसी इंसेक्ट की। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम पूरी बात करेंगे कि ये आखिर होता क्या है, स्नेल म्यूसिन है क्या और इसको किस तरीके से लगाना चाहिए, किस काम आता है, तो ये कम्प्लीट हम डिटेल में बात करूँगी मैं। तो अभी आपने इसका टेक्स्चर जो है देख लिया। स्मेल इसकी कुछ नहीं है, कोई स्मेल नहीं है इसकी। अगर आप कहोगे इसमें से बदबू आएगी, यहाँ से फ्रेगनेंस है, तो नहीं, इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 3 महीने मुझे हो चुके हैं एंड ये है एक कोरियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो जी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्नेल म्यूसिन आखिर होता क्या है, क्या ये सच में स्नेल से आता है या ऐसे ही बस इसका नाम है स्नेल म्यूसिन। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ स्नेल्स। इनफैक्ट आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी इन्ग्रीडियंट लिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो उस पर लिखा होता है SSF यानी कि स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेशन। और ये नेचुरली स्नेल्स जो है इन्हें क्रिएट करते हैं, खुद से वो बनाते हैं इसको। और ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिनमें आपको स्नेल म्यूसिन जो है वो मिल जाता है, बट इक्का दुक्का ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, सभी प्रोडक्ट्स में ये नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सिक्रीशन होता है ये स्नेल के मूव करने से नहीं होता है, मतलब मूव करने से तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। ये जो सब्सटेंस है ये स्नेल की स्किन में से सिक्रीट होता है तब जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। जी हाँ, ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है बट ये ही सच है। और ये जो सिक्रीशन होता है ये हियालुरोनिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का मिक्स होता है जो कि ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बात करते हैं कि क्या ये जो स्नेल म्यूसिन होता है ये हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप अपनी स्किन पे डीप हाइड्रेशन चाहते हैं, नरिशमेंट चाहते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इट टेंड्स टू हैव हाइड्रेटिंग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट एंड वूंड हीलिंग एज वेल एज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। और ये जो
कोरियन प्रोडक्ट्स या फिर स्नेल म्यूसिन को यूज़ करने का जो ट्रेंड है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने, और कोरियन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्होंने, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर ना ये बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो सिक्रीशन है ये ऐसे ही नहीं मिला दिया जाता स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, ऑब्वियसली बात है उसको थोड़ा सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसको फेस मास्क की फॉर्म में या हाइड्रेटिंग सीरम्स की फॉर्म में, मॉइस्चराइजर्स उसकी फॉर्म में लेके आया जाता है, और इसे यूज़ करने के बाद हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और ड्यूई हो जाती है अगर हम इसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करें तो। लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो स्नेल म्यूसिन है ये किस चीज़ से बनता है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिनमें कोलाजिन, इलास्टिन प्रोटीन्स, हाइलुरोनिक एसिड, कॉपर पेप्टाइड्स होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स या इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो आपके होते हैं इस स्नेल म्यूसिन के अंदर, जो कि हाईली बेनिफिशियल हैं हमारी स्किन के लिए। सो आप डेफिनेटली ये जो स्नेल म्यूसिन है ना, आप इसे किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र या फिर एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। एंड अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ आ रही होगी कि क्या स्नेल्स को नुकसान पहुंचा के, स्नेल्स को मार के हमारे इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो म्यूसिन है वो भरा जाता है। जी नहीं, जो आजकल का जो मॉडर्न तरीका है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस केस में ऐसा नहीं होता है, और बिल्कुल भी स्नेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता हमारे इन प्रोडक्ट्स को बनाए जाने में। आप प्रोडक्ट्स के बैक साइड पे जो लिस्ट होती है देख सकते हैं, वहाँ पे मेक श्योर वहाँ पे क्रुएल्टी फ्री लिखा होना चाहिए गाइस। लेट्स टॉक अबाउट के स्नेल म्यूसिन के बेनिफिट्स क्या हैं हमारी स्किन के ऊपर। मैंने आपको वैसे तो बता दिया बट इन डिटेल मैं आपको बताती हूँ। स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट, और आप इसे स्नेल म्यूसिन भी बोल सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग इंग्रेडिएंट गाइस। दिस इंग्रेडिएंट इज़ पैक्ड विद बेनिफिट्स ऑफ योर स्किन। इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ ऑल बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर योर स्किन, इंक्लूडिंग HA यानी कि हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइको प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेंस, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एज वेल एज कॉपर पेप्टाइड्स। इट सर्व्स एज द बेस्ट स्किन केयर हैक्स फॉर योर स्किन, एज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम स्किन इन्फेक्शंस एज वेल एज फ्रॉम ड्राइंग। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारे स्कार्स को फेड करता है, स्ट्रेच मार्क्स को कम करते हैं, बैक्टीरिया जो होता है उसको ये किल करता है, और अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने या फिर पिंपल्स हैं उन्हें ये ट्रीट करते हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ पावर हाउस ऑफ प्रोटेक्शन। ये हमारी स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और अभी बात आती है उन लोगों की जिनके पास मतलब जिनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी तक ये जो चीज़ है ये प्रूव नहीं हुई है कि जो स्नेल म्यूसिन है ये सेंसिटिव स्किन के ऊपर हार्मफुल होती है या उन्हें सूट करती है या नहीं, बट इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन तो आपको एक बारी अपना जो पैच टेस्ट है वो कर लेना चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है कि रेडनेस हो रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो आप इसे इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना रिव्यू जो है वो दे ही दिया है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। जब से मैंने इसे स्टार्ट किया है यूज़ करना, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है। एंड मैंने आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसे मैंने खुद से परचेज किया है। थोड़ा सा हाँ एक्सपेंसिव है बिकॉज इट्स कोरियन प्रोडक्ट। 1500 या 1600 में आपको ये जो 100 ml की बॉटल आपको मिलती है, एंड ये कांच का प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप किसी भी ये जो प्रोडक्ट ये मीशो के ऊपर भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं किसी भी वेबसाइट को डिफेम नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मीशो के ऊपर अच्छे अच्छे और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं खरीदती रहती हूँ, बट आप वहाँ से मत खरीदिएगा। आप या तो किसी अच्छी कोरियन वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी इंडो कोरियन वेबसाइट्स भी हैं जैसे कि टीरा है और मैक्रॉन ब्यूटी है, और भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन से आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सस्ता मिलता है, वहाँ से मत खरीदिएगा। मतलब मैं श्योर नहीं बोल सकती कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑथेंटिक मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुछ ब्लॉग्स में मैंने पढ़ा है कि अगर आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है जिसकी टेक्सचर जेल टाइप है तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। कोरियन प्रोडक्ट है इसलिए आपको
कई वेबसाइट्स के ऊपर ये मतलब के फेक मिल सकता है, ये श्योरिटी है कि फेक मिल सकता है आपको, बट आपको ध्यान में रखना है, आप अमेजोन से इसे मंगा सकते हैं, वहाँ से आपको कोई भी चीज़ जो है वो फेक नहीं मिलेगी। आई थिंक मैंने इसको टीरा से मंगवाया था, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इसको कहाँ से मंगवाया था, लाइक सीरियसली 3-3.5 महीने हो गए हैं मैं इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, और अभी भी ये मतलब मेरा चल जाएगा, 4 महीने तो आराम से ये चल जाएगा। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आप इसे एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट अपनी स्किन केयर फॉलो करते हो ना, तो पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको अपना टोनर इस्तेमाल करना है, फिर सीरम इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, लास्ट में आप अपना एसेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इतनी लंबी चौड़ी स्किन केयर आपकी रिजीम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर लेना, अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप टोनर के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है हमारी स्किन को, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा। नॉर्मल स्किन के ऊपर भी ये हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो करता है, बट वो कुछ देर के लिए ही होती है, 1-2 बार जब आप इसको यूज़ करोगे तब आपको हल्की सी ऐसा लगेगा कि यार ये बर्न कर रही है हमारी स्किन, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने इसको यूज़ किया है, हालांकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल तो नहीं है, बट हाँ ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, तो ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, तो मैं तो इसको डेली इस्तेमाल करती हूँ, और टचवुड मेरी स्किन के ऊपर ऐसा कोई नेगेटिव असर नहीं आया है इसका। और आपको पता है इस ब्रांड के आई थिंक जो ओनर है, उन्होंने बोला था कि अगर ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब है कि आप इसको या तो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तो आपके हाथ आया है फेक प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से काम करता है स्किन के ऊपर, मतलब इतना बड़ा क्लेम कर रही है अगर कंपनी, तो कुछ तो बात है ना इस प्रोडक्ट के अंदर। और मैंने भी इसको यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छे से सूट किया है ये प्रोडक्ट। तो अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो वहाँ जाकर के आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो ये था एक मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।